तो आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी खट्टी दाल, जो बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये दाल आप एक बार बनाएंगे ना तो बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे। जो बच्चे दाल खाना पसंद नहीं करते हैं वो इसे ज़रूर खाएंगे। तो बस आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने 200 ग्राम तुअर की दाल लिया हुआ, इसे अच्छे से धोने के बाद मैंने कुकर में ले लिया है। अब इसके बाद इसमें डाल देना है 2 से 2.5 गिलास पानी। अगर अगर आपको इसे टोप में बनाना है तो दाल को भिगो दें 1 से 1.5 घंटे के लिए, उसके बाद आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 2 से 2.5 गिलास पानी इसमें ऐड करने के बाद इसमें डाल देना है 6 से 7 टमाटर, इस तरीके से मोटा मोटा कट करके। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है हरी मिर्च, 5 से 6 हरी मिर्च डाल देना है अक्खी, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। उसके बाद इसमें ऐड करना है हल्दी आधा चम्मच के करीब, और उसके बाद इसमें ऑयल 1 चम्मच के करीब ऐड कर देना है। उसके बाद इसमें डालना है लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच। बस अब इसे ढक लेना है कुकर की, इसे ढक्कन से ढक लेना है। उसके बाद इसे 2 से 3 सीटी ले लेना है। दाल अच्छे से गल जाने के बाद चेक करेंगे, ये देखिए दाल अच्छे से गल चुकी है, 2 से 3 सीटी मैंने ले लिया था। अभी इसे घोट देना है, दोनों हाथों से इसे नहीं चलाना है क्योंकि दाल को हमें अच्छे से मिक्स नहीं करना है, सिर्फ टमाटर इसमें मिक्स हो जाए। तो एक ही हाथ से इस तरीके से कंटिन्यू इसे घोट देना है दाल को। तो इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है और इसमें कुतमीर डाल दिया है। कड़ी पत्ता कुतमीर डालने के बाद इसे अच्छे से इस तरीके से चलाएंगे। और अभी दाल तो हमारी ठीक है तो इसमें पानी ऐड करना है, 2 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर देना है क्योंकि अभी दाल को हमें पकाना है। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे हमें गैस की मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेना है। तो पानी इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है नमक। नमक इसमें मैंने पहले ऐड नहीं किया था तो मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। इसमें डाल देना है इमली। इमली को मैंने भिगो दिया था, इसका पल्प निकाल करके सिर्फ पानी हमें डाल देना है। जितना आपको खट्टा चाहिए, अगर कम खाते हैं तो कम डालें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। तो इसमें डाल देना है इमली, के बाद इसमें डालना है नमक। नमक डाल करके इसे अच्छे से चला लेना है और इसे मीडियम आँच से आँच पे इसे कम से कम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मीडियम आँच पे इसे पका लेना है। इस तरीके से मैं सिर्फ ढक रही हूँ इसे, और ये देखिए दाल अच्छे से पक चुकी है। मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया था। अभी गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ढक देना है। उसके बाद बारी आती है तड़के की। इधर मैंने पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल दिया मैंने 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा, 7 से 8 कली का लहसुन डाल देंगे, लहसुन की कली डाल देंगे और इसे लाल होने देंगे। जब लहसुन हमारा लाल हो जाएगा अच्छे से, फिर हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। उसके बाद इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। तो ये अच्छे से ये लाल हो चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें डाल देना है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद जब ये कड़कने लगे तो हमें दाल में इसे तड़का दे देना है इस तरीके से। तो दाल हमारी बनकर के तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।